मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, उत्तर प्रदेश राज टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज। आज हम लोग बात करेंगे जो ओडीएल मोड से बीएड पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, उनका पेपर अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड E03 पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें ब्लॉक वन पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट आकलन के परिप्रेक्ष्य की जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंतर्गत एक टॉपिक मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट की हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत इस टॉपिक के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें मापन, आकलन एवं मूल्यांकन की क्या भूमिका है, क्यों हम इसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो मापन की संकल्पना है वो क्या है और मापन की संकल्पना, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा क्या है। इसके अलावा हम मापन, चूंकि डिफरेंट टाइप्स के चर हैं, जो सब्जेक्ट के नेचर हैं वो अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट के नेचर की बात करें तो यदि हम बात करें कि जो भौतिक विज्ञान के सब्जेक्ट हैं या विषय हैं उनसे संबंधित जो चर हैं उनका मापन अलग प्रकार से होता है, क्योंकि उनके मापन के लिए जो वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध हैं, लेकिन शिक्षा एवं मनोविज्ञान जैसे जो अन्य मानवीय क्रियाओं से संबंधित विषय हैं उनके मापन करने के लिए यथार्थ या उतने विश्वसनीय वैध उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हम चरों की प्रकृति के आधार पर मापन के जो प्रकार हैं उनकी चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा मापन के स्तर की बात करेंगे, मापन में जो त्रुटियां होती हैं किसकी वजह से होती हैं, किन कारणों से होती हैं, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मापन, आकलन एवं मूल्यांकन की बात करें कि किस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ मापन और मूल्यांकन जुड़े हुए हैं, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही ये तय है कि जो शिक्षा प्रक्रिया है उसका मापन समय समय पर किया जा रहा था, वर्तमान में भी किया जा रहा है, क्योंकि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो रही है कि नहीं, और उससे भी पहले कि जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने हैं वो किस प्रकार के उद्देश्य होने चाहिए, इसके लिए भी हमें मापन की आवश्यकता होती है। जैसे जहाँ के लिए ये शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, जिस परिप्रेक्ष्य के बच्चों के लिए, वहाँ की मूल्य क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के लोगों की आवश्यकताएँ क्या हैं, इन सभी बातों को मापने के बाद या उनकी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही हम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, और जब शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो उनकी पूर्ति हो तो हमें विषय वस्तु का भी निर्माण करना होता है, और विषय वस्तु के निर्माण में भी मापन, आकलन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत हैं अगर उनकी बात करें तो रुचि का भी ध्यान देना पड़ता है, जो शिक्षार्थी हैं उनकी रुचियां क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, जो समाज है उसकी आवश्यकता क्या है, उनके मूल्य क्या हैं, उनकी संस्कृति क्या है, और इन सभी बातों को जानकर ही हम उद्देश्य और उद्देश्यों को पूर्ति हेतु जो शिक्षण सामग्री है, विषय वस्तु है, उसका निर्माण करते हैं। इसलिए मापन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया दोनों घनिष्ठ रूप से संबंध हैं, बगैर मापन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कभी भी सुचारू रूप से नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात करें तो उद्देश्यों के निर्माण से लेकर, चाहे वो शिक्षण विधियों का चयन हो, चाहे वो विद्यार्थियों की रुचि का ज्ञान हो, उनकी आवश्यकता का ज्ञान हो, या जो शैक्षिक संसाधन हैं, हम मापन द्वारा, आकलन द्वारा, मूल्यांकन द्वारा ही पता करते हैं
कि जो शिक्षार्थियों के लिए, जिससे कि उनको अच्छी प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाए, उनके लिए जो भी शैक्षिक संसाधन हैं उनकी व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मापन है क्या, इसका अर्थ क्या है, तो देखिए यहाँ तीन शब्द हैं जो आपके यूनिट फर्स्ट में, वो है मापन, आकलन और मूल्यांकन। लेकिन जो प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है, वो है मेजरमेंट, क्योंकि आकलन के लिए, मूल्यांकन के लिए हमें मापन की सबसे पहली आवश्यकता होती है, क्योंकि मापन मूल्यांकन और आकलन में इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो मापन है, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, उसके जो गुण हैं, उन गुणों को, उनकी विशेषताओं को अंक प्रदान करना, चिन्ह प्रदान करना या कोई संख्या प्रदान करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। लेकिन सिर्फ अंक प्रदान करना या उसे संख्या में विभक्त करना ही मापन नहीं होता, बल्कि किसी भी वस्तु के गुणों को मापना, गुणों को बताना भी मापन के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि मापन की जब प्रकार की बात करेंगे तो वहाँ गुणात्मक और मात्रात्मक मापन क्या होते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मापन में कोई भी इस प्रकार हम बात करते हैं जिसका कोई आधार ना हो। इसमें भी जब हम किसी भी मापन उपकरण का निर्माण करते हैं, तब हमें कोई निश्चित नियम फॉलो करना होता है। जैसे जब आज की तरह जब वैज्ञानिक विकास नहीं हो पाया था, अगर हम बात करें किलोग्राम, ठीक है, या लीटर की बात करें, इस प्रकार के जो जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक चर हैं, उनको मापने के लिए जो वैज्ञानिक उपकरण मौजूद हैं, जब ये वैज्ञानिक उपकरण मौजूद नहीं थे तब भी मापन होता था। लेकिन अंतर क्या था कि आज के जो वैज्ञानिक रूप से विकसित मापन उपकरण आए हैं, उनमें यथार्थता है, यानी एक्यूरेसी है, उनमें वस्तुनिष्ठता है, उसमें विश्वसनीयता है, उसमें वैधता है। लेकिन पहले जब इस वैज्ञानिक आविष्कार इतने नहीं हुए थे, उपकरणों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी मापन होता था। जैसे एक तरबूज को आज हम लेते हैं तो केजी में उसको वेट करके तब तरबूज का जो पैसा होता है वो देते हैं। लेकिन हम, आप देखते होंगे गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग आज भी एक तरबूज को उठाकर और अनुमानता बताते हैं कि ये एक केजी या दो केजी का है, और उसी के आधार पर उसका जो मूल्य होता है वो तय किया जाता है। लेकिन आज भी जो भौतिक विज्ञान के विषय हैं या उनसे संबंधित जो चर हैं, उनके मापने के लिए तो जो यथार्थ मापन उपकरण हैं वो उपलब्ध हो गए हैं। लेकिन शिक्षा, समाजशास्त्र एवं जो मानवीय विषय से संबंधित विषय हैं या मानवीय व्यवहार से संबंधित जो चर हैं, उनके मापन के लिए जो वैज्ञानिक, विश्वसनीय, यथार्थ, ऐसे उपकरणों की आज भी कमी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि मानव व्यवहार दिन प्रतिदिन या परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, समय के सापेक्ष या स्थान परिवर्तन में भी मानव व्यवहार बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। इस वजह से इस प्रकृति के जो भी चर हैं, उनका मापन करना यथार्थ रूप में या पूर्णतः जो पूरी तरह से सत्य हो, सभी लोगों को स्वीकार हो, ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर हम बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि की जब बात करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, तो जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो कोई बुद्धि को समायोजन करने की योग्यता मानता है, कोई बुद्धि को अभिव्यक्ति का साधन मानता है, कोई बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानता है। इस प्रकार जब आज तक जो शिक्षाविद हैं उन्हीं में
एकजुटता नहीं हो पाए कि वास्तव में बुद्धि क्या है। उसके लिए जो संक्रियात्मक परिभाषाएं हैं उनका सहारा लिया जाता है। इस वजह से जो मापन है उसके संदर्भ में यथार्थ विश्वसनीय एवं वैध उपकरण नहीं आ पाए। अगर हम मापन के विषय में और बात करें कि मापन क्या होता है, तो अगर कक्षा कक्ष के संदर्भ में बात करें मापन, तो कक्षे का आकार भी क्या है, मापन का एक उदाहरण है कि कक्ष है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उस कक्षा कक्ष में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। इन सभी को निर्धारित करने हेतु मापन का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कक्षा कक्ष में या कक्षा कक्ष से बाहर स्व अध्ययन करते हुए भी शिक्षार्थी जो सीखते हैं उनकी परीक्षाएं करवाई जाती हैं, परीक्षण कराए जाते हैं, और उन परीक्षाओं एवं परीक्षण पर जो बच्चे प्राप्तांक प्राप्त करते हैं वो भी क्या है, मापन के अंतर्गत ही आता है, जिनके अंतर्गत उन्हें अंक प्रदान किया जाता है। मापन को विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। जैसे एक शिक्षाविद थी SS स्टीवेंसन, उन्होंने मापन की परिभाषा दिया कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसके अलावा कैंपबेल ने कहा कि नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना ही मापन है। जितनी भी परिभाषाएं आप देख रहे हैं, चाहे रास महोदय ने जो कहा कि मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है, इसके अलावा ब्रेकफील्ड तथा मोर्डोक ने भी कहा कि मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की यथार्थ स्थिति का निर्धारण किया जा सके। इन परिभाषाओं का अगर हम अध्ययन करें तो देखेंगे कि जो मापन है, इन मापन से संबंधित जो उपकरण हैं उनके निर्माण के लिए या मापन की विधियों के निर्माण के लिए हमें जो पूर्व निश्चित नियम हैं उनके सापेक्ष ही काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें कोई ना कोई नियम फॉलो करना होगा मापन के उपकरणों को तैयार करने हेतु, और फिर उस मापन उपकरण के द्वारा हम चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या भौतिक राशियां हो, उन सभी को माप गुणों को या मात्रा को माप कर हम अंक प्रदान करते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी यदि परीक्षा में 70 अंक लाता है, 80 अंक लाता है, तो ये जो 70 और 80 अंक प्राप्त कर रहा है वह किसके अंतर्गत आता है, वो मापन के अंतर्गत आता है जिसके तहत उनको अंक प्रदान किया जाता है। इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो अंक प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति या शिक्षार्थी के व्यवहार को उचित दिशा प्रदान करना, लेकिन हम उन उचित दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उन उद्देश्यों को की प्राप्ति के लिए हम मापन करते हैं कि जो भी शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए थे उनकी पूर्ति कहाँ तक हो पाई है। इसमें मापन के द्वारा हम सिर्फ वस्तुओं के मात्रात्मक रूप से ही वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि वस्तुओं का गुणात्मक रूप से भी वर्णन करते हैं। गुणात्मक रूप से कि कौन सा गुण उस व्यक्ति में, वस्तु में या तथ्य में उपस्थित है या अनुपस्थित है। जैसे जो महिला और पुरुष का विभाजन है वो एक विशेषता या गुण के आधार पर ही लिंग भेद किया गया है। ये किस प्रकार का मापन है, गुणात्मक मापन है। आगे हम लोग चर की बात करते हैं। चूंकि जब मापन हम समझते हैं तो यहाँ पर चरों की बात हो रही है, तो चरों को भी हमें समझना चाहिए कि चर राशि या चर है क्या। तो हर व्यक्ति में
वस्तु में या पदार्थ में कोई ना कोई गुण या विशेषता मौजूद होती हैं, जो ये गुण हैं या विशेषता हैं यही चर कहलाते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का समूह है, इनमें चर कहलाने योग्य बात तभी होगी जब एक समूह दूसरे समूह से किसी गुण या विशेषता में भिन्न होगा। ऐसा नहीं है कि किन्हीं भी दो समूहों में समान विशेषता है तो उनको चर कहा जाए। जैसे जो जेंडर है या जो महिला और पुरुष का जो विभाजन है, उसमें जो महिला और पुरुष में गुण या विशेषता पाई जाती है उसी के आधार पर विभाजन किया गया है। इसीलिए जेंडर या लिंग क्या है, एक चर है। लेकिन यदि ये जो पुरुष और स्त्री दो समूह हैं, अगर किसी भी अध्ययन में किसी भी समस्या में किसी एक ही समूह का अध्ययन करना हो, सिर्फ पुरुष का या सिर्फ महिला का, तो यह चर नहीं कहलाएगा। चर कहलाने के लिए विभिन्न प्रकार के गुण होने आवश्यक हैं। जैसे महिलाओं में अलग प्रकार के गुण होते हैं और पुरुषों में अलग प्रकार के गुण होते हैं। वह किसी आधार पर तय किए जाते हैं, जैसे बायोलॉजिकल रूप से। अगर हम गुणात्मक चर की और बात करें तो जैसे स्नातक स्तर पर या हाई स्कूल के स्तर पर, इंटरमीडिएट के स्तर पर बात करें, तो वहाँ पर विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, इस प्रकार के विभाजन जो मिलते हैं वो किस प्रकार के चर होते हैं, गुणात्मक चर होते हैं। अब यहाँ पर जो गुणात्मक चर हैं और जो मात्रात्मक चर हैं, गुणात्मक चर तो हमने आपको बता दिया कि किसी भी गुण के विभिन्न प्रकारों को इंगित करते हैं ये, जिसमें कि सदस्यों को कुछ श्रेणियों में या समूहों में बांट दिया जाता है गुण के आधार पर। लेकिन जो मात्रात्मक चर में, जो व्यक्ति में या व्यक्तियों के समूह में जो गुण होते हैं उनकी मात्रा को हम मात्रात्मक चर के माध्यम से उनको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। मात्रात्मक चर भी के भी दो प्रकार होते हैं, एक सतत चर और एक असतत चर। सतत चर यानी कंटिन्यूअस चर। कंटिन्यूअस चर क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है, कि सतत चर वे चर हैं जब किन्हीं भी दो मानों के बीच के अंक को या किन्हीं भी दो मानों के बीच का मान प्राप्त किया जाना संभव हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लंबाई की बात करें तो हमारी लंबाई अगर 5 फुट 3 इंच है, 5 फुट 4 इंच है, 5 फुट 5 इंच है, तो इस प्रकार से हम लोगों की लंबाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 फीट है या सिर्फ 6 फुट है। जो एग्जैक्ट लंबाई होती है वो हम नंबर में लिखते हैं और इसमें जो नंबर प्रयोग होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट नंबर प्रयोग होते हैं। जैसे 5 फुट 4 इंच लंबाई, तो हम फिट और इंच दोनों में विभाजित करते हैं, यानी 5 और 6 के बीच जो समस्त मान हैं कोई भी व्यक्ति उन मान को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे जो चर होते हैं वो सतत चर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो असतत चर हैं, असतत चर कौन से होते हैं, असतत चर में हम जो कोई भी दो मान होते हैं उनके बीच कोई भी मान या सभी मान धारण करना संभव हो ऐसा नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि घर में सदस्यों की कुल संख्या, तो 2 होगी 3 होगी 4 होगी 5 होगी, यानी कि वो संख्या पूर्णांक में होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो 3.5 हैं, 2.5 हैं, ऐसा नहीं होगा। 2.5 हैं या 3.5 लोग हैं या परिवार में सदस्यों की संख्या है, ऐसा नहीं है। इसके उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें कि पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, तो वो पूर्णांक ही होगा, या जो किताब है उसमें पृष्ठों की संख्या। ये सब कैसे उदाहरण हैं, असतत चर के उदाहरण हैं। ठीक है,
इसमें जो असतत चर है उसमें जो संख्याएं यूज होती हैं वो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, यथार्थ नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि कभी कभी हम जो सतत चर है, जो सतत चर है उसको असतत चर के रूप में भी लिख देते हैं, किस लिए? ताकि गणना में कठिनाई ना हो। लेकिन वह हम लगभग में लिखते हैं, वो पूरी तरह से यथार्थता उसमें नहीं हो पाती या यथार्थता उसकी कम होती है यदि हम सतत चर को असतत चर के रूप में लिखते हैं। भारत की जो जनगणना हुई उसमें जो कुल संख्या है या जनसंख्या है भारत की वो कितनी है? 1,21,00,000 मान के चलते हैं, 121 करोड़, जो 2011 की जनगणना हुई। लेकिन क्या एग्जैक्ट में 121 करोड़ है? ऐसा नहीं है। हम मापन के स्तर की बात करें तो जो मापन प्रक्रिया है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे यथार्थता, एक्यूरेसी, उसमें जो प्रयुक्त इकाइयां हैं या जो चर हैं उनकी प्रकृति क्या है, ठीक है, जो परिणाम हैं उनकी प्रकृति क्या है, और फिर हम यह निर्धारित करते हैं या निश्चित करते हैं कि हमें किस प्रकार का मापन करना है या जिस चर का मापन कर रहे हैं उसका किस प्रकार से मापन किया जा सकता है। तो इसमें चरों की प्रकृति और जो समस्या है उसके समाधान की प्रकृति क्या है उसके आधार पर हम जो किस स्तर पर हमें मापन करना है हम ये तय करते हैं। जैसे इसमें एक शिक्षा शास्त्री SS स्टीवेंस थे जिन्होंने जो मापन की यथार्थता है, एक्यूरेसी है, उसके आधार पर मापन के 4 स्तर बताए हैं, जिसमें नंबर 1 पर उन्होंने नॉमिनल लेवल की बात की, 2 पर ऑर्डिनल लेवल की बात की, 3 पर इंटरवल लेवल की बात की और 4 पर रेशियो लेवल की बात की। नॉमिनल लेवल क्या है? कुछ मनोवैज्ञानिक ने इन्हीं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो लेवल को ही स्केल नाम दिया कि ये मापन के पैमाना हैं, स्केल हैं। तो उन्होंने नामित पैमाना, क्रमित पैमाना, अंतरित पैमाना और अनुपातिक पैमाने की बात की। अब इसमें हम नामित स्तर की बात करें तो यह किस प्रकार का मापन है? जब हम पीछे चरों की बात कर रहे थे तो वहां हमने देखा था गुणात्मक चर। तो जो नामित स्तर होता है यह किस प्रकार का मापन करता है? गुणात्मक प्रकार का मापन करता है, जिसमें जो गुण हैं उनके प्रकार क्या हैं या उनके पहलू क्या हैं, और उसी के आधार पर जो व्यक्ति हैं या व्यक्तियों के गुण हैं, वस्तुएं को गुण हैं, उनको वर्गों में बांटने का काम किया जाता है या वर्गों की रचना की जाती है। इस पर कोई गणितीय संक्रिया यानी जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं किया जा सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या गिनती की जा सकती है। और इनसे जो वर्ग बनते हैं, जैसे उदाहरण के लिए नामित स्तर की अगर हम उदाहरण की बात करें, महिला और पुरुष का विभाजन किसी गुण के आधार पर या गुण के प्रकारों के आधार पर हमने महिला और पुरुष क्या दिया? नाम दिया। तो ये कैसा मापन है? नामित मापन है, क्योंकि यहाँ पर महिला या पुरुष किसी को कम या ज्यादा नहीं बताया गया, बल्कि क्या बताया गया है? यहाँ पर बराबर का भी ही भाव हो सकता है, यानी कि गणितीय संक्रिया जोड़ घटाना गुणा भाग संभव नहीं है, सभी को बराबर स्थान प्राप्त हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और इनके वर्गों में आपस में संबंध नहीं होता है, संबंध नहीं होता है का मतलब बराबर होंगे, कम या ज्यादा नहीं होंगे। इसके अगले स्तर पर बात करें वो है ऑर्डिनल लेवल, क्रमित स्तर। जो क्रमित स्तर है इसमें जो गुण की मात्रा है उस पर ध्यान दिया जाता है, यानी जो गुण की मात्रा है उसका आकार क्या है
उस आधार पर वर्गों का निर्माण किया जाता है। और इसमें जो कार्डिनल लेवल है, जो नॉमिनल लेवल के गुण हैं, वो सभी गुण मौजूद होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब हम बात करें कि क्लास में राम का पहला स्थान है, श्याम का दूसरा स्थान है, या किसी भी छात्र का एक्स वाई जेड इनका तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है, तो इसमें हमने क्या दे दिया, जो परीक्षण है उस पर जो अंक प्राप्त हुए हैं, या वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्रथम स्थान, उसके बाद जो स्थान प्राप्त किया उसे द्वितीय स्थान, इस प्रकार से प्राप्त अंकों के आधार पर स्थान हम प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार अगर जो परसेंटेज की बात करते हैं, प्रतिशत, जैसे 33% से कम प्राप्त करने वालों को थर्ड डिवीज़न, या 45 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सेकंड डिवीज़न, लेकिन 60% से कम, 60% से ऊपर, 60% या 60% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को फर्स्ट डिवीज़न में बांट दिया गया। यहाँ क्या है कि जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र हैं, वो द्वितीय श्रेणी में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनसे क्या हैं, उच्च हैं, और जो द्वितीय श्रेणी के छात्र हैं वो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए छात्रों से क्या है, उच्च है। यहाँ जो वर्ग बने प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उनके बीच क्या है, संबंध है कि तृतीय से ऊंचा द्वितीय और द्वितीय से अधिक है प्रथम, तो यहाँ संबंध बन रहे हैं। गुण की जो मात्रा है उसका आकार भी पता चल रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम उनको क्रम ही दे सकते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग यहाँ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ घटते या बढ़ते क्रम में ही उनको लिख सकते हैं। और जब घटते बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो नामित स्तर, ये जो प्रथम द्वितीय और तृतीय नाम है, ये नॉमिनल लेवल इसको निकाल सकते हैं, तो कहने का मतलब ये नामकरण हम कर सकते हैं। अंतरित स्तर की बात करें, इंटरवल, तो इंटरवल में नामित स्तर के भी गुण मौजूद रहेंगे, क्रमित स्तर के भी गुण मौजूद रहेंगे, अंतरित स्तर पर भी गुण मौजूद रहेंगे। जैसे हम कोई समस्या है हमारे सामने और उस समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि खासकर शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान या जो भी मानव व्यवहार से संबंधित विषय हैं, उनके मापन के लिए इंटरवल लेवल का मापन ही सर्वाधिक यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनका भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग इंटरवल स्केल का ही होता है। यह जो इंटरवल स्केल है, इसमें भी जो गुण की मात्रा है या परिमाण है, इन पर आधारित, लेकिन जो बिंदु हैं, किन्हीं दो बिंदुओं जो लगातार इकाइयां हैं या बिंदु हैं, उनमें क्या है, समान अंतर है, जबकि क्रमित स्तर और नामित स्तर में ऐसा नहीं था। जैसे अगर 60 अंक एक छात्र पाता है और एक 59 अंक पाता है, तो एक अंक का अंतर हुआ, और एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी ऐसे हैं जो 47 और 48 अंक पाते हैं, तो 47 और 48 के बीच में एक इकाई का अंतर है, इसी प्रकार 59 और 60 के बीच भी एक इकाई का ही अंतर है। जबकि क्रमित स्तर में कोई फर्स्ट डिवीजन है, कोई सेकंड डिवीजन है, कोई थर्ड डिवीजन है, तो ऐसा नहीं है कि रमेश सेकंड डिवीजन है और सुरेश फर्स्ट डिवीजन है, तो उनके बीच अंतर क्या हो, समान हो या बराबर है। जैसे दो छात्र हैं जो सेकंड डिवीजन हैं और दो छात्र हैं जो फर्स्ट डिवीजन हैं, लेकिन हम इस क्रमित स्तर पर उनको जो श्रेणी प्राप्त हुई है उसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि रमेश और सुरेश, जिन्हें जो द्वितीय श्रेणी प्राप्त हुई है, उनमें वही अंतर है जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए छात्र, कोई भी नाम हो,
उनके बीच जो अंतर है ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन जो इंटरवल स्केल है उसमें अंतर कितने यूनिट का है, कितने इकाई का अंतर है, उसकी जानकारी हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गणितीय संक्रियाएं हैं उन्हें कर सकते हैं। लेकिन इन गणितीय संक्रियाओं में सिर्फ दो ही गणितीय संक्रियाएं कर सकते हैं, एक जोड़ एक घटाना, लेकिन गुणे और भाग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गुणा और भाग करने के लिए हमें एब्सोल्यूट जीरो या वास्तविक शून्य का होना अनिवार्य है, जो कि जो अंतरित स्तर का मापन है, इंटरवल लेवल का जो मेजरमेंट है उसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं पाया जाता। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, वास्तविक शून्य क्या है? तो वास्तविक शून्य वो है जहां पर कोई भी गुण क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो पूरी तरह से विहीन हो जाए, उसका कोई अस्तित्व ना रहे। जैसे उदाहरण के लिए किसी स्थान की दूरी जीरो होती है तो इसका मतलब क्या है, स्थान समाप्त हो चुका है या हम स्थान पर पहुंच चुके हैं, उनके बीच दूरी कोई बची नहीं है। लंबाई है वो जीरो हो सकती है, भार है वो जीरो हो सकता है, लेकिन अगर हम जो शिक्षा समाजशास्त्र या मानव व्यवहार से संबंधित जो चर हैं वो कभी शून्य नहीं हो सकते हैं। जैसे आप गणित या कोई भी विषय का प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, उस पर आपके अंक जीरो आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस विषय की कोई जानकारी नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि जो प्रश्न पत्र आपको मिला शायद आप उन प्रश्नों को नहीं जानते थे, लेकिन और प्रश्न जो नहीं दिए गए उनको जानते होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गणित में शून्य अंक आने पर विद्यार्थी कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं जानता, उसका गणित में उसकी जो जानकारी है वो शून्य है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आनुपातिक स्तर जो है इसमें ऐसे चरों का मापन किया जाता है जो भौतिक विज्ञान से संबंधित होते हैं, जिसमें वास्तविक शून्य उपस्थित होता है, जैसे लंबाई, भार, दूरी। ये सभी किस प्रकार के मापन हैं? ये अनुपातिक स्तर के मापन हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान के अलावा जो मानव व्यवहार से संबंधित विषय हैं वो अंतरित स्तर के मापन होते हैं। अगर हम इनकी तुलना करें, कंपेरिजन करें, देखेंगे मापन का स्तर है किस लेवल पर है, ठीक है, तो अगर नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतरित स्तर और अनुपातिक स्तर पर मात्रा या परिमाण की बात करें तो नामित स्तर में मात्रा ज्ञात नहीं होती है, क्रमित स्तर में मात्रा का पता होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो अंतरित स्तर होता है इंटरवल स्केल, उस पर भी मात्रा का पता होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है या कितने अंक प्राप्त किए हुए हैं, कितना मूल्य है उसका। आनुपातिक स्तर में भी मात्रा का पता होता है। समान अंतराल की बात करें कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी, जैसे अगर इंटरवल स्केल की बात करें तो 98 अंक 99 अंक में जो अंतर है वही अंतर 66 और 67 अंक में भी, 66 और 67 में भी है, क्योंकि इकाई कितनी है, एक इकाई का अंतर है। लेकिन फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन में जो अंतर है, जरूरी नहीं वो सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन में अंतर हो, क्योंकि 59% अंक प्राप्त करने के बाद आप सेकंड डिवीजन हैं और कोई 46% अंक प्राप्त करके भी सेकंड डिवीजन में रहेगा। तो जो क्रमित स्तर है उसमें समान अंतराल नहीं होता है, जो नामित स्तर है उसमें तो अंतराल की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ बराबर का साइन होता है, वहां सिर्फ नाम का निर्धारण होता है, वहां पर कोई अंतराल नहीं होता है।
लेकिन जो इंटरवल लेवल है और जो रेशियो लेवल है यहाँ पर समान अंतराल होता है। इसके अलावा एब्सोल्यूट जीरो ना ही नॉमिनल लेवल पे होता है, ना ही वो ऑर्डिनल लेवल पे होता है और ना इंटरवल लेवल पर होता है, बल्कि रेशियो लेवल पर जो एब्सोल्यूट जीरो है वो उपस्थित होता है। गणितीय संख्याओं की बात करें तो नॉमिनल सिस्टम में केवल बराबरी हो सकती है, जैसे महिला या पुरुष में छोटा कौन है बड़ा कौन है इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, दोनों बराबर हैं। जितना महत्व महिलाओं का है उतना ही महत्व पुरुषों का है, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जितना महत्व पुरुषों का है उतना महत्व ही महिलाओं का है। यहाँ जो ऑर्डिनल लेवल है यहाँ बड़े और छोटे का बोध होता है, जबकि जो इंटरवल स्केल है यहाँ जोड़ और घटाना की गणितीय संक्रियाएं कर सकते हैं, जबकि रेशियो स्कूल में सभी गणितीय संक्रियाओं को कर सकते हैं। अगर मापन परिणामों की प्रकृति की बात करें तो नॉमिनल स्केल में गुण के विभिन्न पक्षों के आधार पर बराबर समूहों में वर्गीकरण करते हैं, यहाँ गुण की मात्रा के आधार पर छोटे बड़े समूह में व्यवस्थित करते हैं, यहाँ पर समान अंतराल पर स्थित अंकों का आवंटन करते हैं, जबकि समान अंतराल पर स्थित ऐसे अंकों का आवंटन जिसमें परम शून्य उपस्थित होता है ये रेशियो लेवल में आता है। अगर सांख्यिकी प्रविधियों की बात करें तो कौन कौन सी सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किस लेवल के मापन में कर सकते हैं, जैसे जब किसी भी अनुसंधान कार्य को पूर्ण किया जाता है तो वहाँ पर जो क्वांटिटेटिव टाइप की जो स्टडी होती हैं उनमें सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग होता है, या आप लोग भी सेंट्रल टेंडेंसी का अध्ययन किए होंगे जिसमें मीन मीडियन मोड इस तरह की गणितीय संक्रियाएं होती हैं, तो जो नॉमिनल लेवल है उसमें सेंट्रल टेंडेंसी नहीं निकाल सकते, बल्कि जो फ्रीक्वेंसी है या जो बहुलांक है मोड है उसी को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनल लेवल का डेटा है या ऑर्डिनल लेवल का जो मापन है उसमें फ्रीक्वेंसी और बहुलांक मोड के साथ ही साथ मीडियन क्वार्टाइल और परसेंटाइल जैसी या जो श्रेणी सहसंबंध गुणांक है जिसे कि स्पीयरमैन ने दिया था उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। जो कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया सहसंबंध गुणांक है उसकी गणना ऑर्डिनल लेवल पे नहीं कर सकते, बल्कि जो इंटरवल लेवल है उस पर कर सकते हैं। तो आवृत्त वितरण, बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान, मानक विचलन के साथ साथ ही गुणनफल आगूण सहसंबंध का प्रयोग अंतरित स्तर के मापन में कर सकते हैं, जो सांख्यिकी प्रविधियां हैं उनका प्रयोग। जो आनुपातिक स्तर का मापन है उसमें इन सभी सांख्यिकी प्रविधियों के साथ ही जो हरात्मक माध्य है या गुणात्मक माध्य है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण की बात करें नौवें स्तर की तो विद्यार्थियों को उनके लिंग भेद के आधार पर छात्र छात्रा में बांटना या गणित विज्ञान वर्गों के आधार पर बांटना। क्रमिक मापन में का उदाहरण क्या है, छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर क्रम प्रदान करना जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और छात्रों को उनके अचीवमेंट उनकी जो बुद्धि है उनका जो व्यक्तित्व है उनसे संबंधित परीक्षणों का निर्माण कर और उन परीक्षणों पर जो अंक प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर हम क्रम भी प्रदान कर सकते हैं, उनका नामकरण भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उनमें जोड़ घटाना जैसी गणितीय संक्रियाएं भी कर सकते हैं। क्योंकि जो ऑर्डिनल लेवल का डेटा है उसमें नॉमिनल लेवल की सारी विशेषताएँ मौजूद हैं, जबकि जो इंटरवल लेवल का डेटा है उसमें ऑर्डिनल लेवल की सारी विशेषताएं मौजूद हैं, और जो रेशियो लेवल का डेटा है या रेशियो लेवल है उसमें इंटरवल ऑर्डिनल और नॉमिनल सभी विशेषताएं मौजूद हैं। इसके अलावा मापन जब करते हैं या मापने हेतु किसी भी गुण को किसी भी व्यवहार को मापने हेतु जब हम मापन उपकरण का निर्माण करते हैं तो उनमें त्रुटियाँ भी होती हैं, जैसे जो भौतिक विज्ञान है उनके मापन के लिए जो उपकरण बने हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय हैं, वैध हैं, यथार्थ हैं, क्योंकि उनके विषय की प्रकृति ऐसी है जहाँ पर कोई त्रुटियाँ नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए जो
लंबाई मापने के लिए जो स्केल है वो सेंटीमीटर में, मीटर में, फीट में। अब अगर फीता टूटा नहीं है, मापने वाली इकाई वो टूटी नहीं है, तो उस पैमाने पर किसी भी व्यक्ति को खड़ा करेंगे तो लंबाई क्या है एग्जैक्ट बताएगी। लेकिन जो शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान या जो भी मानव व्यवहार से संबंधित विषय हैं, उनसे संबंधित जो चर हैं, उनके मापन के लिए जो उपकरण का निर्माण है, उपकरण के निर्माण से लेकर उनको मापे जाने तक या उन उपकरणों पर प्राप्त जो अंक होते हैं, उनकी जो व्याख्या होती है, तो सभी स्तर पर गलतियां हो सकती हैं। तो उन्हीं गलतियों पर, त्रुटियों पर हम लोग बात करेंगे कि मापन में किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं। जैसे व्यक्तिगत त्रुटियां, मापन में बेसिकली त्रुटियों को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में हम व्यक्तिगत त्रुटियों या पर्सनल एरर की बात करेंगे। व्यक्तिगत त्रुटि क्या है? जैसे आप लोग परीक्षा देते हो तो आपकी कॉपी को चाहे मैं चेक करूं या कोई दूसरे शिक्षक चेक करें या तीसरे शिक्षक चेक करें, तो हम लोगों के समान स्कोर नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो परीक्षक है उसका दृष्टिकोण, उसका विचार, उसकी स्थिति उस समय क्या है, इन सब पर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के अंक दिए जा रहे हैं। इसके अलावा एक उदाहरण के रूप में, जैसे अगर मैं जीवन में कभी ज़्यादा अंक नहीं पाया, या जब मैं छात्र जीवन में था तब मुझे जो भी परीक्षाएं हुई उनमें कम मार्क्स मिले, तो मैं क्या होगा, बच्चों को कम मार्क्स दूंगा क्योंकि मैंने जीवन में अधिक मार्क्स का अनुभव नहीं किया, या मुझे नहीं मिले तो मैं दूसरों को क्यों दूंगा। तो ऐसी पूर्व धारणा या गलत धारणा बन जाती है जिससे कि जो परीक्षक है वो विद्यार्थियों की जो उत्तर पुस्तिका है उस पर जब अंक प्रदान करता है तो अलग अलग अंक प्रदान सभी लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भौतिक विज्ञान के मापन है जैसे केजी है, तो अगर किलोग्राम से किसी भी चीज़ों को तौलेंगे तो चाहे हम तौलें, कोई भी तौलें, वो माप क्या आएगी, बराबर आएगी। लेकिन आपकी कॉपी को हम जब चेक करेंगे तो चाहे मैं चेक करूं या कोई भी चेक करे, समान अंक नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने चेक किया तो 60 आए तो सभी लोग 60 अंक ही देंगे। अगर वही कॉपी दूसरे शिक्षक को दे दी जाए तो हो सकता है 61 अंक प्राप्त हों या 62 अंक प्राप्त हों, या हो सकता है 58 या 55 अंक ही प्राप्त हों, कम ज़्यादा हो सकते हैं। इस प्रकार की त्रुटियों को व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। और ये किससे संबंधित होती है? वस्तुनिष्ठता से संबंधित होती है, क्योंकि वर्तमान समय में जो परीक्षा प्रणाली है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली है, उसमें व्यक्तिनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को रखा जाता है। यदि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को रखा जाए तो इस प्रकार की जो व्यक्तिगत त्रुटियां हैं वो कम हो जाएं। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आप जानते ही, आजकल आप लोग जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें देखते होंगे कि अगर पूछ लिया कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है, या राष्ट्रीय पशु है तो कौन सा है, इसका एक ही एग्जैक्ट आंसर होगा। और उस प्रश्न में आपने सही आंसर यदि लिखा है तो चाहे मैं चेक करूं या कोई भी शिक्षक चेक करेगा, समान अंक ही आएंगे। इसके अलावा दूसरे प्रकार की त्रुटि है चर त्रुटि, वेरिएबल एरर्स, जिसमें देखते हैं कि जो चर त्रुटि है यह विश्वसनीयता से संबंधित होती है। विश्वसनीयता, अगर हम चूंकि यहाँ पर वस्तुनिष्ठता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर वैधता की बात करेंगे, और यहाँ पर हम नाम्स की बात करेंगे, चूंकि ये त्रुटियाँ वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और नाम से रिलेटेड होती हैं, तो पहले उनको समझना आवश्यक होता है। जैसे वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है व्यक्ति है, व्यक्ति की जो इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तिगतता है, उसका प्रभाव ना पड़े, बल्कि कोई भी सभी के लिए वह समान हो, ठीक है, वो होती है वस्तुनिष्ठता। विश्वसनीयता क्या होती है?
चाहे जिन परिस्थितियों में हम वह परीक्षण दें। जो अर्थ हम समझते हैं वही अर्थ दूसरा भी विद्यार्थी उस प्रश्न पत्र को, यदि कोई भी प्रश्न पत्र है उसको हम चाहे पढ़ें चाहे कोई दूसरा विद्यार्थी पढ़े, वह उसका अर्थ हम समान निकालें, या छात्रों की थकान का असर, छात्रों की परीक्षा देने का जो समय होता है चाहे गर्मी में दे चाहे वो ठंडी के मौसम में परीक्षा दे, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े। तो ये विश्वसनीयता की एक विशेषता है। यदि कोई परीक्षण विश्वसनीय नहीं है तो उसमें चर त्रुटियां अधिक होंगी, लेकिन यदि किसी परीक्षण में विश्वसनीयता है तो उसमें चर त्रुटियां कम होंगी। जैसे जब हम किसी भी परीक्षण का प्रशासन करते हैं या किसी परीक्षण को प्रतिपादित करते हैं तो परीक्षा लेते समय विद्यार्थियों को दिशा निर्देश दिया जाता है। दिशा निर्देश क्या दिया जाता है कि किस प्रकार से आपको प्रश्न हल करने हैं, कितने शब्दों में उत्तर देने हैं, किस खंड से कितने, इस प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं और किस खंड से कितने प्रश्न करने हैं। अब यदि दिशा निर्देश में अंतर हो गया तो हर जो शिक्षार्थी वो अलग अलग प्रकार से उत्तर देने का प्रयास करता है। जब अलग अलग प्रकार से उत्तर देने का प्रयास करता है तो उनमें त्रुटियां आती हैं, उनके अंकों में, प्राप्त करने के अंकों में त्रुटियां आती हैं। यदि सभी लोगों के लिए समान निर्देश हैं, निर्देश स्पष्ट हैं, प्रश्न स्पष्ट हैं, प्रश्नों की भाषा स्पष्ट है, उस पर थकान का या संयोग का, जिसे गेस कहते हैं, गेसिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है तो चर त्रुटियां नहीं होंगी। स्थिर त्रुटियां क्या हैं? स्थिर त्रुटियां वो हैं कि जिस परीक्षण का निर्माण जो मापने के लिए किया गया है, यदि वह परीक्षण वो ना माप कर बल्कि अन्य चीजों को मापन करता है तो स्थिर त्रुटियां कहलाती हैं और यह वैधता से रिलेटेड होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया जिसका काम है कि जो उद्देश्य निर्धारित थे या जो विषय वस्तु निर्धारित थी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, उस फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए निर्धारित विषय वस्तु पर बच्चे ने कितनी सफलता प्राप्त की या उस विषय वस्तु को कितना ग्रहण किया, इसका मापना जो है परीक्षण निर्माण का उद्देश्य था। लेकिन वह परीक्षण जो बनाया गया वो अचीवमेंट का माप ना करके, उपलब्धि की माप ना करके, बल्कि बच्चे की बुद्धि क्षमता की माप करता है, उसकी अभिक्षमता की माप करता है या उसकी रुचि की माप करता है, तो वह परीक्षण विश्वसनीय हो सकता है लेकिन वैध नहीं होगा। वैध होने के लिए किसी प्रश्न पत्र को, किसी परीक्षण को वैध होने के लिए आवश्यक शर्त है कि वह वही मापे जिसका लिए उसका निर्माण किया गया। अंत में व्याख्यात्मक त्रुटियां क्या हैं? जैसे उदाहरण के लिए जो अंक प्राप्त करते हैं किसी भी परीक्षा में, यदि उनकी व्याख्या के लिए कोई नियम नहीं है, कोई मानक नहीं है, तो उन अंकों का कोई मतलब नहीं होता है, वो अंक महत्वहीन होते हैं। जैसे अगर किसी प्रश्न पत्र पर आप 50 अंक प्राप्त करते हैं किसी एक विषय में, जैसे उदाहरण के लिए गणित में आप 50 अंक प्राप्त करते हैं और अंग्रेजी में आप 70 अंक प्राप्त करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मानक नहीं है तो उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आपने गणित में 50 अंक प्राप्त किए जबकि आपकी कक्षा के अन्य विद्यार्थी 45 अंक तक ही पहुंच पाए हैं गणित में, जबकि जिस विषय में आप 70 अंक प्राप्त किए हैं उसके अधिकांश विद्यार्थी 80 अंक से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि आपने जो गणित में 50 अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में जो 70 अंक प्राप्त किए, आप जो गणित विषय है उसमें दूसरे विषय से कमजोर हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने गणित में अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत अच्छा किया है ना। तो ये जो मानक
होते हैं, इसीलिए इनका निर्माण किया जाता है ताकि जो परीक्षण या जो मापन किया गया है उन मापन पर जो अंक प्राप्त हुए हैं उनकी अच्छी तरह से व्याख्या की जा सके, जिससे कि जो मापन का उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। हम लोग अगले क्लास में आकलन क्या है एवं मूल्यांकन क्या है और ये जो है किस प्रकार से शिक्षार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करता है या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में को बढ़ावा देता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे।